खरगोन जिले के झिरनिया क्षेत्र के कुछ आदिवासी मजदूरों को ठेकेदार मजदूरी के लिए महाराष्ट्र ले गया, जहां पुरुषों से मजदूरी कराने के साथ लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया, जिसके विरोध में मजदूरों और माधुरी बेन ने लामबंद होकर उचित कार्यवाही के नाम पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर एडिशनल SP नीरज चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि मजदूर परिवार आदिवासी मंच की नेत्री माधुरी बेन के साथ परेशानी लेकर जिला कार्यालय पहुंची और कथित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। इस दौरान माधुरी बेन ने बताया कि समूह का एक व्यक्ति बिशन अभी भी लापता है, जिसकी पड़ताल करके उक्त लोगों के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया जाए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने पड़ताल करके उचित कार्यवाही की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेला मड़ावा क्षेत्र से अभी कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि कुछ एक उनका ट्रुप था जो मजदूरी के लिए बाहर महाराष्ट्र तरफ गया हुआ था, इसमें से कुछ लोग वापस आ गए हैं। उनका कहना है एक आदमी उसमें मिसिंग है, वो नहीं आ पाया है। इसमें इन्होंने आरोप लगाया कि जो ठेकेदार साथ में लेके गए थे वो और जहाँ काम करने गए थे वहाँ पे उस खेत के मालिक या जो काश्तकार हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। महिलाओं की छेड़छाड़ की भी बात की है और ये उसके भी आरोप लगा रहे हैं, तो तत्काल इस पर हम लोग कार्रवाई करके अभी थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया है, एक टीम रवाना करके उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे, गिरफ्तारियाँ भी करेंगे और रिकवरी की पूरी प्रयास करेंगे। गए थे रोजी रोटी की तलाश में, गए मजदूर के साथ में शोषण भी हुआ है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी, क्या है मामला? ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पहला घटना नहीं है। ये पूरे आदिवासी क्षेत्र बहुत दूर दराज कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं, पूरे परिवार जा रहे हैं और वहाँ पर उनके मजदूरी, उनको बिल्कुल बेगारी के स्थिति में वहाँ रह रहे हैं, उनको ठीक से मजदूरी नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और उनके साथ उनको तरह तरह की यातना सहना पड़ता है, उनके साथ मारपीट हो रहा है। ये स्थिति है आदिवासियों की। कर्नाटका से अभी जो छुड़वा के लाए गए मजदूर, उनके साथ उनको बताया गया था कि 450 रुपये मजदूरी एक दिन की मिलेगी और खाना पीना सेठ के तरफ से। वहाँ गए तो उनको पता चला कि एक हफ्ते में 500 रुपये मिल रहा है और जहाँ वहाँ जो लड़कियाँ थी और जो महिलाएँ थी उनके साथ लगातार छेड़छाड़ किया गया, लगातार है ना, लगातार यौन शोषण उनके साथ किया गया और वो थाने पर रिपोर्ट करने के भी स्थिति में उनके इस तरह से घेराबंदी करके रखा, एक तरह से उनको बंधक बना के रखा कि वो किसी को बता भी नहीं पाए। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने किसी सगे संबंधी जो यहाँ जिले खरगोन के किसी सगे संबंधी को बताया, वो व्यक्ति वहाँ गए और अपने खर्चे से बहुत मुश्किल से वहाँ से इन मजदूरों को छुड़वा के लाए। अभी इन मजदूरों ने पुलिस में रिपोर्ट किया है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि पुलिस थोड़ा इस मामले में उदासीन है। ये भी एक मामला है कि अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई का आश्वासन उन्हें मिला है लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंधक बना के बेगारी करवाने का, आदिवासियों से बंधक बना के बेगारी करवाने का मामला है, यौन शोषण का मामला है और एक व्यक्ति अभी भी इस समूह का लापता है, क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे तो गाड़ी में जगह नहीं थी, तो एक व्यक्ति अलग से साधन करके आने वाले थे, वो व्यक्ति जिनके हाथ में पैसा भी था वो अभी लापता है। उनका नाम है बिशन, पिता खाज्या है ना, और जब वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ ठेकेदार बोल रहे हैं उसको तो हमने मार के फेंक दिया है ना, इस तरह से बोल इनको बताए जा रहे हैं। तो ये अभी और चिंतित हैं कि वो व्यक्ति अभी कहाँ है, कैसा है, जिंदा है कि नहीं है, और पुलिस से तुरंत इसके बारे में उस व्यक्ति को, बिशन पिता खाज्या को ढूंढने के लिए तुरंत जो है कार्रवाई की जाए, ये भी मांग है। और जो वहाँ इनके साथ शोषण हुआ है उसके ऊपर भी वो गिरफ्तार की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।